साइंस का चैप्टर फिफ्टीन एयर अराउंड अस इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी हमने आज के वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स और एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे पहला कीवर्ड क्या है एटमॉस्फेयर द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर एनवेलप ऑफ अर्थ मींस अर्थ जिसके अंदर है एक चारों तरफ से किस चीज से घिरी हुई है जो एयर का एक सराउंडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं एटमोस्फेयर बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन हमारा एयर क्या है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है उसी में से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ एयर मिक्सचर ऑफ सम गैसेस वॉटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इज कम्पोजिशन ऑफ एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर वॉटर वेपर डस्ट पार्टिकल यह सब मिलकर के क्या बनता है एयर बनता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग एंड इज नेरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस ये जो वर्ड हैं ये आपको आगे भी हर चीज में कुछ ना कुछ इनको पढ़ना होगा ऑक्सीजन क्या है कलरलेस है मीन्स उसका कोई कलर नहीं है ऑर्डरलेस है उसमें कोई भी स्मेल नहीं है और टेस्टलेस है मतलब कोई भी टेस्ट नहीं है ऑक्सीजन एक गैस है और ऑक्सीजन क्या करती है वो बर्निंग में भी सपोर्ट करती है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए नेक्स्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ एयर एंड डज नॉट सपोर्ट्स बर्निंग नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन की तरह ही कलरलेस भी है ऑर्डरलेस भी है और टेस्टलेस गैस है और जो हमारे एयर है एयर में जो ये नाइट्रोजन है वो एक सबसे बड़ा पार्ट नाइट्रोजन का ही होता है मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट नाइट्रोजन ही होती है एयर में स्मोक व्हाट इज स्मोक स्मोक कंटेन्स फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस स्मोक स्मोक क्या है कुछ गैसेस और फाइन डस्ट के पार्टिकल्स का मिक्सचर स्मोक कहलाता है जब हम फ्यूल को जलाते हैं किसी चीज को जलाते हैं तो उसमें से स्मोक प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट विंडमिल विंड मिल रोटेट्स विद दी हेल्प ऑफ विंड विंड मिल क्या है जो विंड की हेल्प से रोटेट होता है और विंड क्या है ब्लोइंग एयर को हम विंड कहते हैं जो हवा चल रही है उसको विंड कहते हैं इट इज़ यूज टू ड्रा वाटर फ्राम ट्यूबवेल रन फ्लोर मिल और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल्स के क्या यूजेज हैं विंड मिल का यूज ट्यूबवेल well से पानी निकालने में फ्लोर मिल चलाने में और इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी विंडमिल यूज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया पहला क्वेश्चन क्या है वॉट इज द ऑफ एयर दर्ड्स में भी हमने इसको पढ़ा था मिक्सचर ऑफ सम वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इज कम्पोजिशन ऑफ एयर एयर कंटेंस मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अब इसमें एक सेंटेंस और हमने ऐड कर लिया एयर में मेनली क्या है सबसे ज्यादा पार्ट नाइट्रोजन का है और उसके बाद ऑक्सीजन का है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 99 नाइन परसेंट एयर का पार्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही है बाकी वन परसेंट में सारी गैसेस वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल वो सब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू विच गैस इन द एटमोसफेयर इज इसशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन गैस इन द एटमोसफेयर इज इसशियल फॉर रेस्पिरेशन आपको पता है कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग एयर बर्निंग में कैसे सपोर्ट करती है इसको प्रूव करना है काफी बड़ा आंसर हो सकता था फिर भी मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है इफ वी कवर अ लाइटेड कैंडल विद इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर वी सी दैट कैंडल इज ब्लोन आउट आफ्टर सम टाइम अगर हम एक जलती हुई कैंडल को किसी ग्लास के कांच के ग्लास से उल्टा करके ढक दें मीन्स अब उसमें बाहर से कोई एयर अंदर नहीं जा पा रही है तो हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो कैंडल बुझ जाएगी दिस इज़ बिकॉज़ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन साइड दम्बलर इज यूज अप एंड एग्जॉस्टेड ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसके अंदर जो ग्लास के अंदर एयर थी उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी जब हमारी कैंडल जल रही थी तो वो सारी ऑक्सीजन उसमें यूज हो गई और खत्म हो गई उसके बाद हमारी जो कैंडल थी वो बुझ गई दिस प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग इससे क्या प्रूव होता है कि एयर जो है बर्निंग में सपोर्ट करती है अब अगर ग्लास ना होता तो उसको फ्रेश एयर अगर बाहर से मिलती रहती तो बर्निंग उसकी कंटिन्यू रहती है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर वाटर के अंदर एयर डिजोल्व है इसको कैसे शो करेंगे आंसर क्या है वी विल टेक सम वाटर इन अ ग्लास आर मेटल कंटेनर एंड हीट इट स्लोली हम एक कांच के या मेटल के किसी बर्तन में पानी लेंगे थोड़ा सा और उसको गर्म करने के लिए रख देंगे आफ्टर सम टाइम टाइनी बबल्स आर सीन इन साइड द इनर सरफेस थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो पानी है उसमें नीचे की साइड आपको छोटे छोटे से टाइनी बबल्स दिखाई देंगे ये बबल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं बल्स आर दिजोल्ड इन वाटर जो वाटर के अंदर एयर डिजोल्व थी वो अब इसी बबल्स के फॉर्म में आपको नीचे दिखाई दे रही है अब जब आप इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो ये बबल्स ऊपर आके बस्ट होंगे और सारी वॉटर के डिजोल्व एयर बाहर निकल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर अगर हम कॉटन वुल लेते हैं तो और उसको पानी में डाल दें गीला कर दें तो वो श्रिंक क्यों हो जाता है कॉटन वूल ऐसे तो काफी फूला हुआ दिखता है बड़ा बड़ा दिखता है आंसर क्या है कॉटन वूल सॉरी कॉटन वूल इज अ बंच ऑफ फाइबर एंड एयर इनसाइड इट कॉटन वूल क्या है वो कॉटन का फाइबर है ढेर सारा फाइबर है और फाइबर चूंकि इतने महीन रेशे होते हैं उनके बीच में बहुत सारी एयर भी ये रहती है कैप्चर हो जाती है तो इसीलिए हमको वो फ्लफी टाइप का फूला हुआ दिखाई देता है अब अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर बिकॉज वाटर रिप्लेस द एयर इन साइड इट एंड कीप द फाइबर्स क्लोज जब हम इसी कॉटन वुल को पानी में डाल देंगे तब क्या होता है कि उसके अंदर की एयर निकल जाती है एयर की जगह पे वाटर आ गया और वाटर आने की वजह से क्या हुआ कि उसके फाइबर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं क्लोज हो जाते हैं इसीलिए वो कॉटन वुल आपका श्रिंक हो जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज यह भी हमने पढ़ा था इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर सेवन द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज बाई ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए क्या कंपोनेंट चाहिए होता है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्वेश्चन नंबर एट लिस्ट फाइव एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ऐसी कोई पांच एक्टिविटी हमको लिखनी है जो एयर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल है तो देखते हैं पहला क्या है फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स काइट्स कोई भी चीज फ्लाई कर रही है तो वो एयर की हेल्प से ही फ्लाई कर रही है दूसरा विनोइंग्स सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में हमने पढ़ा था विनोइंग जो प्रोसेस है वो सेपरेशन का प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है एयर की हेल्प से होता है ब्लोइंग एयर की हेल्प से नेक्स्ट रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन भी एयर की हेल्प से होता है फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है एयर का यूज होता है नेक्स्ट बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस किसी भी चीज को जलने के लिए बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन हमको कहां से मिलेगी एयर से मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं कुछ गैसेस के एक्सचेंज में एटमॉस्फेयर में चलिए देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन नेचर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है क्यों क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वो आपस में एक्सचेंज करते हैं कैसे करते हैं प्लांट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन प्लांट क्या करते हैं प्लांट फोटोसिंथेसिस में जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो एटमॉसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं मीन्स प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनिमल्स यूज ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल क्या करते हैं एनिमल एटमोसफियर से ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करते हैं मीन्स प्लांट को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो एनिमल से मिल रही है और एनिमल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्लांट से मिल रही है दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है ओके okay? चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स